हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने सूट में चौक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सूट है जो मैंने पूरा सिल लिया है, इसमें चौक बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है चौक, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, जो बहुत ही आराम से कोई भी बिगनर भी या कोई जो नया सिलाई अभी सीख रहे हैं उनको चौक बनाना नहीं आता है तो वो भी बना सकते हैं। या रेगिवेंट जहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन जो है 1.5 इंच मैंने यहाँ पर खींचा था, उस लाइन पर एक बार मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया और दूसरा बार मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो आपको दो फोल्ड करना है और वहाँ तक है फोल्ड करना है जहाँ तक आपने हिप्स का यहाँ सिलाई किया है, हिप्स के लिए आखिरी सिलाई जो है वहाँ पे, वहाँ तक आपको यह सिलाई, जहाँ पे आखिरी सिलाई वहाँ तक आपको यहाँ इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेना है। और इसके लिए आप यहाँ जो पिन आती है वो लगा सकते हैं या यहाँ प्रेस की मदद से इस तरीके से आप कर दीजिएगा तो फूल अच्छे से चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं और बहुत ही आराम से आप सिलाई इसके ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए कितने से चिपक गई है, इधर निकल नहीं रही है। इसी तरीके से हम पीछे का भी कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे जो लाइन हमने यहाँ पे जो खींचा था उसके ऊपर एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार फोल्ड हम करेंगे। तो यहाँ पे दो बार आपको फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी यहाँ पे आयरन चला देती हूँ जिससे इसका अच्छे से ये बैठ जाए और सिलाई करने वक्त जो कपड़ा है इधर उधर ना हो। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कर लिया, इसी तरीके से मैं उस साइड भी कर लूँगी। तो दोनों तरफ से मैं इस तरीके से यहाँ पर मोड़ लेती हूँ पहले कपड़े को अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड से भी यहाँ पर कपड़ा को मोड़ लिया है अच्छे से, यहाँ दूसरी साइड से भी मैंने यहाँ पर कपड़े को मोड़ ली। अब उसको हम सिलाई करने वाले हैं तो चलिए फिर इसकी हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़ा को नीचे तरीके से मशीन पे चलाना है। अब इसको इस तरीके से पकड़ कर चलाते रहना है जिससे कपड़ा जो इधर उधर ना हो। या देखिए फिर कितनी सुंदर अच्छी सिलाई हमारी हो रही है। हमने यहाँ पे सिलाई कर दिया और आपको यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा को पहले पहले मोड़ लेना है और पहले इसको मशीन को उठाना है और यहाँ पे कपड़ा को घुमा लेना है अच्छे से, इस तरीके से घुमा लेना है। और जहाँ पे हिप्स का जो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे हमने सिलाई किया था वहाँ से आपको कपड़ा को घुमाना है, दोनों साइड से कपड़ा को इस तरीके से मोड़ के घुमा देना है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो आप यार दूसरा बार मैं घुमा देती हूँ और अच्छे से पहले मिला देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे सिलाई हमें चला देना है। इस तरीके से आप अपने सिलाई कीजिएगा, चौक बनाइएगा तो बहुत ही सुंदर बनेगी और एकदम फिनिशिंग वर्क रहेगी इसमें। तो मेरे यहाँ पर रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर हमारे यहाँ पर चौक बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही सुंदर सिलाई हुई है, मैं आपको सामने दिखा दे रही हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी साइड भी कर लिया है, दोनों साइड से मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है चौक बना के, दोनों साइड से रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप भी चौक बना सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। कोई बिगनर भी है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी बना सकते हैं इस तरीके से आप बनाएंगे तो चौक। तो मैं यहाँ पे सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना फिनिशिंग वर्क आई है हमारे चौक में, सूट में कितना सुंदर भी हमारा सूट भी लग रहा है। इस तरीके से एक बार बना के आप देखिए आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया कितना सुंदर फिनिशिंग वर्क आई है हमारे चौक में। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना भूल।